नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर भारत का आईना है, तो छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा में फिर क्यों गिर रही है लड़कियों की संख्या, और राजस्थान में गिग वर्कर्स के लिए लाया गया कानून कितना है कामगारों के हित में। खबरों की शुरुआत मणिपुर से, जहां पर 3 मई से शुरू हुए जाति हिंसा में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर में जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों का दल 2 दिन के मणिपुर दौरे पर है। इसमें 16 पार्टियों के सांसद शामिल हैं। ये दल सभी समुदाय के नेताओं, सिविल सोसाइटी और महिला संगठनों से मिलेंगे। सांसद राहत शिविरों का भी दौरा करेंगे। इंडिया यानी विपक्ष के लोकसभा और राज्यसभा के 21 सदस्य इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरे। ये लोग अपने 2 दिन के दौरे पर राज्य में 3 मई को शुरू हुई हिंसा से पैदा स्थिति का जायजा लेंगे। अगले हफ्ते संसद में मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो सकती है। हम पीड़ितों का पक्ष संसद तक लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री को सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल लेकर मणिपुर आना चाहिए था, हम लोगों को खुशी होती। उनके एनडीए सहयोगी यहाँ नहीं आए, लेकिन इंडिया गठबंधन को यहाँ लोगों के बीच आकर अच्छा लगा। पीस एंड नॉर्मलसी इन मणिपुर। ये लोग और इनकी सरकारों के समय मणिपुर जब जलता था, कई महीनों बंद रहता था, उस समय इनके नेता तो संसद में बोलते तक नहीं थे, और आज ये I.N.D.I.A. के जो सदस्य हैं, ये मणिपुर से जब वापस आए, तो मेरा निवेदन है, संसद तो आप चलने नहीं देंगे, तो अधीर रंजन चौधरी जी अपने पश्चिम बंगाल प्रदेश में भी लाइए। सांसद हेलीकॉप्टर के जरिए चूड़ा चंद्रपुर गए, जो कुकी लोगों का गढ़ है, और यहाँ पर सारे हंगामे की शुरुआत हुई। राहत शिविर जाकर इन्होंने पीड़ितों और कुकी आदिवासियों के समुदाय से बातचीत की। उधर मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी चूड़ा चंद्रपुर जाकर पीड़ितों से मिली और साथ में राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन दिया। केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा जिन लोगों के आवास, जो भी कुछ उनकी प्रॉपर्टी लॉस हुई है, उन तमाम सारी चीजों के लिए आपको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। विरोधी दल के सांसद जब चूड़ाचांदपुर पहुंचे, तो उनकी बातचीत हुई कुकी समुदाय के जो सिविल सोसाइटी हैं उनके नेताओं के साथ, और इस बातचीत में कुकी समुदाय से ये मांग रखी गई कि पार्लियामेंट के अंदर जो विरोधी पार्टी है वो कुकी जो समुदाय के जो मांगे हैं इस पे जोर दे, सरकार को इस पे विचार करने के लिए अपोजिशन इस पे जोर लगाए। और उन्होंने ये भी मांग रखी कि जो कुकी जो समुदाय है, इस बार मणिपुर में जो हिंसा हुई इसके बाद उन्होंने जो मुद्दा उठाया है कि मणिपुर सरकार से वो अब पूरी तरह से एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाना चाहते हैं, इस मांग को समर्थन करे विरोधी पार्टी, ये दावा किया है। इस बीच इम्फाल में मैतेई समुदाय ने शक्ति प्रदर्शन किया। कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटेग्रिटी यानी कोकोमी के आह्वान पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरकर हिंसा के खात्मे, एनआरसी के लागू करने और मणिपुर राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करने की मांग की। All the communities. ये रैली मणिपुर की एकता के लिए और ड्रग के आतंक के खिलाफ है, जो इस हिंसा की जड़ है। लगभग सारे समुदाय इसमें शामिल हैं, और रैली के बाद हम संकल्प लेंगे और एक ज्ञापन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भेजेंगे। अगले हफ्ते संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली बहस से पहले ये दौरा अहम है। उधर म्यांमार सीमा से लगे मोहरे शहर में हिंसा भड़क उठी है। हालांकि 18 जुलाई के बाद से 2 मौतें ही हुई, लेकिन हिंसा और महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों का सिलसिला जारी है। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो उधर मध्य प्रदेश के सतना जिले में 11 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनके दोनों के घर पर राज्य सरकार का बुलडोजर भी चल चुका है। हालांकि बच्ची की हालत अभी भी नाजुक है। मैहर में 11 साल की बच्ची से बर्बरता करने वाले दो आरोपियों के घर प्रशासन ने ढहा दिए। परिवार मिन्नतें करता रहा,
लेकिन अतिक्रमण हटाने के नाम पर चला सरकारी हथौड़ा नहीं रुका। जो आरोपी हैं वो तत्काल गिरफ्तार कर लिए गए थे, उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही वो मैहर मंदिर समिति में कलेक्टर रेट पर काम करते थे, तो उनको सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया। और परिवार की, क्योंकि जो बच्ची का परिवार है वो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो उसको रेडक्रॉस से 50,000 रुपये की सहायता भी परिवार को की गई, जिससे वो जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरी कर सकें, और आगे अगर जरूरत लगेगा तो और भी किया जाएगा। बच्ची सुबह पानी भरने गई थी, उसी वक्त आरोपियों ने उसके साथ ज्यादती की। एक आरोपी शारदा भवानी मंदिर में गौशाला का सिक्योरिटी गार्ड है, तो दूसरा वेदशाला में चपरासी। बच्ची के पूरे शरीर पर दांत से काटे जाने के निशान हैं। अस्पताल के आईसीयू में फिलहाल वो जिंदगी की जंग लड़ रही है। अभी जो मैं टीम ऑफ डॉक्टर से जो है, गायनेकोलॉजिस्ट है और पीडियाट्रिशियन सर्जन है, उनसे बात किया, एनेस्थेसिया सर्जन भी है, सो टीम अभी काम कर रही है, चालू किया ऑपरेशन। अभी तक वो लोग उसको उसमें ऑब्जर्वेशन में रखे, अभी उसको ऑपरेशन करने लगे, ओटी लेके, तो उसमें मेरे ख्याल से ठीक हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता तो फिर हम उसको रेफर करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना को बेहद दुखद बताते हुए ट्वीट किया, तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे दिल्ली की निर्भया कांड से तुलना कर कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा में पूरी तरह विफल रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट का अगर विश्लेषण करें तो पता लगता है कि मध्य प्रदेश में रोजाना 8 से ज्यादा नाबालिग बच्चियां और 17 महिलाएं ज्यादती का शिकार होती हैं। 2021 की रिपोर्ट जो 2022 में आई थी वो बताती है कि उस साल 33,036 बाल यौन शोषण के मामले दर्ज हुए, जिसमें अकेले मध्य प्रदेश में 3,515 मामले दर्ज हुए थे। सतना से अपने सहयोगी ज्ञान शुक्ला और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा में 1,000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों का अनुपात इस वक्त 906 है और पिछले सालों की तुलना में बहुत कम, यानी इस साल लड़कियां राज्य में और घट गई हैं। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि भ्रूण हत्याओं को रोकने की सबसे बड़ी चुनौती राज्य के अंदरूनी इलाकों और सीमावर्ती राज्यों में सक्रिय वो गिरोह हैं जो गैर कानूनी तरीके से भ्रूण परीक्षण कर रहे हैं और लाखों की कमाई हो रही है। भ्रूण परीक्षण पॉकेट साइज हैंड हेल्ड अल्ट्रासाउंड मशीनों से हो रहा है। देखिए कैथल हरियाणा से हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। ये अल्ट्रासाउंड मशीन है जिसे आसानी से भ्रूण लिंग परीक्षण हो जाता है। ऐसे अल्ट्रासाउंड कोई क्लिनिक या अस्पताल में नहीं हो रहे हैं, ये चलती गाड़ियों में भी हो जाते हैं। दलाल के जरिए लोग इससे जुड़े गिरोह तक पहुंचते हैं और भ्रूण लिंग परीक्षण करवा रहे हैं। यही वायरलेस सोनोग्राफी मशीन प्रशासन के लिए हरियाणा में एक नई चुनौती है। जिस प्रकार से हम बंदों को पकड़ते हैं, उनसे बात करते हैं, वो बताते हैं, ये सिर्फ 1 से 1.5 लाख में ही उनको अवेलेबल हो जाती है। हर बंदे का रूट अलग अलग है, कोई बंदा कहता है मैं दिल्ली से लेके आया, कोई बंदा कहता है तमिलनाडु से लेके आया, एक बंदा कहता है मैं नेपाल से लेके आया, और उनको बड़ी इजीली अवेलेबल हो पाती है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें तो बंदे खुद आके कॉन्टैक्ट करते हैं कि आपको मशीन चाहिए है, और वो मशीन प्रोवाइड कर देते हैं। प्रशासन की छापेमारी से बचने के लिए गिरोह हरियाणा के सीमावर्ती राज्यों के बॉर्डर पर ज्यादा सक्रिय है। ये मशीन अगर चार्ज हो तो बिना बिजली के कनेक्शन के कहीं भी काम कर सकती है। छोटे से बैग में इसको रखकर आराम से छुपाया जा सकता है। कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं। एक बंदे को तो हमने भी 2 बार पकड़ा था, अभी रिसेंटली लास्ट वीक में वो 11th टाइम उसके खिलाफ FIR हुई है पंजाब के अंदर। कुछ एक बंदा नारनौल में उसके खिलाफ 6th या 7th टाइम FIR हुई है। दिल्ली में भी एक हैं, एक अंबाला में, जिनके पास 7 या 8 बार FIR हो चुकी है। इस तरह के गिरोह की धरपकड़ में लगे अधिकारी मानते हैं कि जब तक PCPNDT एक्ट 1994 एक्ट यानी प्री कंसेप्शन और प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स कानून में उसके सजा के प्रावधान और सख्त नहीं होंगे, तब तक भ्रूण लिंग परीक्षण पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सकता। वैसे छापेमारी के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को काफी तैयारी करनी पड़ती है। एक गर्भवती डिकॉय यानी एक ऐसी महिला को तैयार करना पड़ता है जो अल्ट्रासाउंड करवाने के बहाने से अधिकारियों को गिरोह तक पहुंचा सके। हरियाणा सरकार इस काम के लिए सूचना देने वाले को 1,00,000 रुपए और साथ आने वाली गर्भवती महिला को 25,000 रुपए देती है। खतरा मोल लेने वालों के लिए ये रकम बहुत कम है। बहुत रिस्क है सर, जैसे सरकार अभी 25,000 रुपए दे रही है सर, तो इसमें बहुत रिस्क है, बाद में
अगर सक्सेस हो जाता है तो बाद में पेशी पे भी जाना पड़ता है जी, और भी ज़्यादा डिफिकल्टी मतलब आती है, तो 25,000 बहुत कम है जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे ने 2017 से हरियाणा में जमीन पर काफी असर दिखाया। साल 2017 में राज्य में जहां लड़कियों का अनुपात 1000 लड़कों के मुकाबले 910 था, वो बढ़कर साल 2022 में 922 तक पहुंच गया था। लेकिन 2023 के आंकड़े चिंताजनक है, लड़कियों की संख्या 906 चली आई है। एनडीटीवी से बात करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सरकार लड़कियों के फिर कम होते अनुपात की वजहों की पड़ताल कर रही है। ये एक गणना में कोई अगर है तो उसको देखेंगे, और अगर मानो वैसे कम हुआ तो जो प्रावधान पहले हमने किए हुए उनको और ज़रा सख्त करेंगे। और इसमें हमारा इतना है कि कुछ तो नेचर के विषय के साथ तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कहीं यानी लोगों ने जानबूझ के उस रास्ते को अपनाया है कि बच्चियों को जैसे गर्भ में मारा जाता था, जैसे बहुत से इस प्रकार के कृत्रिम बातें जो जेंडर सेक्स रेशो को असंतुलन करने में किया जाता था, उसको नहीं होने देंगे। आंकड़े बता रहे हैं कि बेटियों को सुरक्षित रखने के मामले में हरियाणा को एक बार फिर वही काम करना होगा जो साल 2017 में शुरू हुआ था। हरियाणा के कैथल से सुनील रवीश की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो हरियाणा के 12 जिलों में खासतौर से लड़कियों का अनुपात गिर रहा है, जिनमें गुरुग्राम, रोहतक, चरखी दादरी, नूह, पलवल, कैथल शामिल है। जानकार लगातार कह रहे हैं कि देश की PCPNDT एक्ट को और सख्त करने की जरूरत है। अभी आरोपियों पर अगर मामला साबित होता है तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल जेल और 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना ही प्रावधान है, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह चलाए जा रहे भ्रूण परीक्षण के गिरोहों को रोकने के लिए नाकाफी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हमारा भारत में भी आगे है। राजस्थान के गिग वर्कर्स नए कानून को लेकर कितना है उनमें उत्साह। आप देख रहे हैं हमारा भारत, और अब खबर राजस्थान की। नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा पर राजस्थान सरकार कई मोर्चे पर काम कर रही है। न्यूनतम आय गारंटी विधेयक के बाद गिग वर्कर्स यानी कि अलग अलग सेक्टर्स में छोटे छोटे काम में लगे कामगारों के हित के लिए राज्य सरकार ने एक विधेयक पारित करवाया है। ये वो कामगार हैं जो अपनी कंपनियों के लिए अस्थायी तौर पर काम करते हैं। हमारी ये विशेष रिपोर्ट इस बात की पड़ताल कर रही है कि राजस्थान का ये नया कानून जमीन पर ऐसे कामगारों के लिए कितना कारगर है। सिरसी नाड़िया गांव के संजय सैनी खुश हैं। राजस्थान के गिग वर्कर्स के लिए बिल पास होने से बेहतर जिंदगी के लिए उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। आने वाला जैसे अभी मेरे को काफ़ी टाइम हो जाएगा तो एक मेरी एज भी बढ़ेगी सर उसके अकॉर्डिंग, तो मुझे अच्छा है, गवर्नमेंट अच्छा लेके आई है एक पेंशन, बच्चों का भी हमारा भविष्य भी अच्छा सुधरेगा सर इससे। और इसमें पहले मैं अर्निंग करता था 1,000-1,200 रुपये की, तो पहले पेट्रोल सस्ता था, अब तो पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया सर। अब तो ये मान लीजिए कि 1,000-1,200 की अर्निंग होती है, उसके अंदर मुझे 600 करीब बचता है, 400 कुछ रुपये हमारा पेट्रोल वेट्रोल में चल जाता है सर। ये बिल कामगारों की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। इसके तहत हर वर्कर के लिए यूनिक आईडी बनेगा। 200 करोड़ का गिग वर्कर कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा। कानून का पालन नहीं करने पर 5 से लेकर 50 लाख तक जुर्माना देना होगा। इस बिल का मकसद ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स और सामान डिलीवरी करने वाली कंपनियों की मनमर्जी पर रोक लगाना है। मान लो किसी ने अपने जिंदगी के 10 साल इसी लाइन में दे दिए या 15 साल दे दिए, तो उसको पेंशन मिले तो उसके लिए तो भला ही ना, नहीं तो ये तो ऐसी चीज है कि भाई रोज कुआ खोदो रोज पानी पियो। कोविड से पहले हमें जो पे आउट जो देते थे उसी दूरी का वो 40 रुपये देते थे, मिनिमम 33 रुपये तो मिलता ही था, बट अब उन्होंने कोविड के बाद में इन्होंने उस पे आउट को कर दिया कम, अब पे आउट वो मिनिमम उसी दूरी का 20 रुपये दे रहे हैं हमें। अगर कोई बंदा रेंट से रह रहा है, सब कोई 2,000-2,500 रुपये मिनिमम किराया रहता है, इससे कम किराया मिलता नहीं है, फिर फैमिली से बिलोंग करता है, बच्चे भी हैं, उसकी फीस भी जमा करानी है, अगर ये बिल आया है तो इस बिल से तो कुछ बेनिफिट हमें लग रहा है कि आगे चल के होगा। राजस्थान में तकरीबन 3 से 4 लाख लोग गिग वर्कर हैं।
सियासी तौर पर भले ही इसे चुनावी शगुफा कहा जाए, लेकिन हकीकत यह है कि इससे लाखों लोगों और उनके परिवारों का भला करने की दिशा में एक कदम तो बढ़ाया ही गया है। जयपुर से बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। तो ये गिग वर्कर्स कौन है? ये वो कामगार हैं जो ऐसे ठेके पर किसी कंपनी के लिए काम करते हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डिजिटल ऐप कंपनी हो सकती है। ये अस्थाई यानी कि नॉन परमानेंट कर्मचारी माने जाते हैं। इन्हें कंपनी के भत्ते, बीमा, छुट्टी के लाभ आदि नहीं मिलते। काम करने का तय समय यानी कि वर्किंग आवर्स भी नहीं होता है। अपनी जरूरत के हिसाब से कंपनी इन्हें काम पर बुलाती है। और नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है कि साल 2029-30 तक गिग वर्कर्स की गिनती देश में करीब 2,30,00,000 तक हो जाएगी। यानी कामगार भारतीय अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। भारत की बात हो और बाघ की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर वन खाद्य श्रृंखला पिरामिड में सबसे शीर्ष पर बाघों की गिनती जारी हुई है। बाघ बचे रहेंगे तो हमारे जंगल और दूसरे जानवर भी। देश में बाघों की बढ़ती आबादी जलवायु परिवर्तन के शमन रणनीति यानी कि मिटिगेशन स्ट्रैटेजी का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलते चलते हमारे बाघ और उनके जंगल।